हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? ये वीडियो मैं बहुत महीने से बनाने के लिए सोच रहा था कि बनाऊँ ना बनाऊँ, आप लोगों को ये बात बताऊँ ना बताऊँ, बट मुझे लगा कि आप लोगों तक हर एक बात पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि यकीन करते हो आप इन बातों पर? भूत पर यकीन करते हो, प्रेत पर, आत्माओं पर? मेरा दोस्त है एक, सतेंद्र नाम है उसका, बात होती है हमारी अच्छी खासी। पहले कॉलेज टाइम में वो मेरे साथ था, ग्रेजुएशन के टाइम पर BBA करी थी मैंने, तो जब मेरे हॉस्टल में था वो, 138 रूम नंबर था हमारा। उसके बाद वो एक जॉब करता है, वो रहने वाला है मेरठ का। उसके बाद वो एक जॉब करता है दिल्ली में एक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करता है वो, फूड डिलीवरी वाले लड़के होते हैं ना, खाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वहाँ पर उसके साथ एक घटना होती है और उसने मुझे बोला था कि ये बात किसी के साथ शेयर मत करियो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब जब ये बातें ज़्यादा फैलती हैं तो नेगेटिविटी फैलती है, फिर लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यकीन करते हो इन बातों पे? आपको क्या लगता है? वैसे वो लड़का सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। उसने एक बात बताई मुझे अब से एक दो साल पहले, और उसे सुनने के बाद मेरे दिमाग खिल गया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिल्ली के अंदर ना एक सिनेमा हॉल था पहले, बहुत पुरानी बात है, वहाँ पे लोग पिक्चर देखने जाया करते थे और एक सिनेमा लगी हुई थी वहाँ पे, लोग पिक्चर देख रहे थे आराम से, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है अंदर पूरे सिनेमा हॉल में। आग लगने से जितने अंदर लोग होते हैं ना, ये आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, जितने अंदर लोग होते हैं सब जल जाते हैं, संभल जाते हैं एक एक अंदर ही जिंदा, और उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिलता, इतनी तेजी से आग की लपटें फैल जाती है। और कुछ लोग बोलते हैं जो आसपास वहां रहते हैं कि अभी उस जगह से रोने की चिल्लाने की आवाजें आती हैं अंदर उस सिनेमा हॉल में। बड़े बड़े पेड़, जंगल टाइप पूरी वो जगह हो गई है, अंदर का तापमान ठंडा रहता है, अंदर से आवाज़ें आती हैं। लोग मानते हैं कि जो जिंदा लोग जले थे उनकी आत्माएं अभी भी वहाँ पर हैं। अब मैं बिल्कुल पुष्टि नहीं कर सकता इस चीज़ की। अब मैंने ये बात आपको इस वजह से बताई, मेरा दोस्त जो कॉलेज वाला था सतेंद्र, वो जॉब करता है दिल्ली के अंदर एक रेस्टोरेंट में। उसके घर के हालात सही नहीं थे, उसने नौकरी पकड़ी एक, उसकी नौकरी थी वहाँ पे खाना डिलीवर करने की, अंदर ही अंदर खाना देने की, या कोई अगर ऑर्डर आए तो उसे ऑर्डर को पहुँचाना एड्रेस तक। ये बताते हुए भी मुझे थोड़ा गूज़बम्स आ रहे हैं। एक फ़ोन आता है उसके पास, अब से एक दो साल पुरानी बात हो गई है, उसने मुझे बताया था। जब एक फ़ोन आता है उसके पास, बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, बहुत बड़ा ऑर्डर, 3-4 शाही पनीर, दाल मखनी, बटर नान, रसगुल्ले, बिरयानी, बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। अब नई नई उसकी जॉब लगी थी, नया नया ही वो रेस्टोरेंट खुला था जहाँ पे वो कर रहा था नौकरी। वो बड़ा खुश हो जाते हैं रेस्टोरेंट वाले, वाह भाई इतना बड़ा ऑर्डर आया, बढ़िया पैसे होंगे, बढ़िया कमाई होगी। अब मेरे दोस्त को कहते हैं वो, पूरा का पूरा ऑर्डर पैक होता है, मेरे दोस्त को कहते हैं जाओ बाइक स्टार्ट कर, और एक फ़ोन आता है, घर का एड्रेस आता है कि जा वहाँ पे डिलीवर करके आ। ये जो सिनेमा हॉल वाली मैंने बात बताई ना, उसके आसपास ही होता है वो ये घर। तो वो ठीक है भाई, नई नई नौकरी है, बड़ा ऑर्डर आया है, मालिक भी खुश हुआ, वो बाइक स्टार्ट करके जाता है। दिल्ली कैंट सुना होगा आपने, एक जगह है जहाँ पे जंगल वगैरह हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से गुजरता हुआ वो जाता है। रात का टाइम हो रखा होता है, 11:30 बजे होता है उस टाइम, बहुत मतलब लग जाते हैं उसे, आधा घंटे के करीब लग जाते हैं वहाँ से रेस्टोरेंट से वहाँ पे जाने में। जैसे ही वो पहुँचता है उस घर पे, उस घर के सामने, 3 मंजिला घर होता है वो, लाइटें बंद होती हैं, बस एक थोड़ी सी लाइट उसे वहाँ से दिख रही थी खिड़की में से, बिल्कुल सुनसान वहाँ पे, बिल्कुल रात को जैसे ठंड का मौसम होता है और बिल्कुल सुनसान, कुत्ते भौंक रहे हैं आसपास, और
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गया यार मैं रात को। भाई ऑर्डर बहुत बड़ा था, उस अजीब सी लगती है वो जगह कि बिल्कुल ही खाली, ऐसा लग रहा है कि यहाँ इतने सालों से कोई रह ही नहीं रहा। उसे लगा कि यहाँ से एड्रेस, उसने दोबारा चेक करा फ़ोन में, हाँ एड्रेस तो यही है, देखा आसपास, हाँ नंबर भी वही है घर का। उसे अजीब सा लगा थोड़ा, उसने उसे उसे थोड़ा सा घबराहट हुई। उसने जाके सोचा घंटी बजाता हूँ मैं, घंटी बजाई, उसने घंटी बजी नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी अंदर, आवाज़ नहीं आई उसे घंटी बजने की। तो उसने खटखट करी गेट पे, जब वो गेट पे खटखट करता है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, मेरा दोस्त, उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो करता है, करे जा रहा है, पर कोई भी नहीं खोल रहा गेट अंदर से, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक। ऐसा लगा कि इस घर में ऐसे ही किसी ने प्रैंक कॉल कर दी, या किसी ने ऐसे ही एड्रेस वगैरह दे दिया और ऐसे ही मज़े ले लिए। अब उसे ये भी टेंशन थी, इतना ज़्यादा खाने पैक करवा लिया ऑलरेडी, कितना ज़्यादा नुकसान होगा, अभी तक सब खुश हो रहे थे कि इतना पैसा आएगा, बढ़िया फूड आया। तो भाई उसने 5-6 बारी खटखट करी, कोई नहीं आया अंदर से। उसने पीछे को मुड़ा, अपनी बाइक की तरफ जा रहा था बेचारा, जैसे थोड़ी आगे गया तो एकदम गेट हल्के सी छिटकनी, खुलने की आवाज़ नहीं आती, अंदर अनलॉक होने की आवाज़, वो आवाज़ आई ऐसे करके। पीछे मुड़ा वो, उसे अनलॉक की तो आवाज़ आई पर वो गेट नहीं खुला हुआ था। उसे लगा ये आवाज़ तो आई, क्या सीन था। वो जैसे गया गेट को, उसने ऐसे टच किया जब, तो वो गेट खुल गया, वो मतलब वो अनलॉक हुआ था अंदर से। उसने ऐसे हल्का सा हाथ मारा तो धक्का मारते मारते वो पूरा पीछे तक चला गया। उसे बात थोड़ी सी अजीब लगी कि कोई आके गेट खुद भी तो खोल सकता था, ये गेट ऐसे अनलॉक हुआ और मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ। उसके बाद वो अंदर जाता है, अंदर जब वो जाता है ना, तो आसपास की जो जगहें हैं बिल्कुल ऐसे दिख रही थी जैसे चमकदार रोशनी अलग ही निकल रही हो। अंधेरा था वैसे उसके अंदर, पूरे घर के अंदर, पर अंदर अलग ही रोशनी थी, अलग ही मतलब कुछ अलग ही एहसास था, उसने देखा नहीं था आज तक ऐसा। पुराने जमाने के सोफे, पुराने जमाने की सीनरी, वो बड़ा सा टीवी रखा हुआ, अभी तो एलईडी टीवी का जमाना है, बड़ा सा वो इतना पीछा निकला रहता जिस टीवी का, वो रखा हुआ है। वो आवाज़ मारता है हेलो, वो अंदर ही नहीं जाता पहले, बाहर से ही गेट खोलने के बाद, हेलो हेलो कोई है, आपने खाना मंगाया था। कोई भी नहीं सुनता। एक सामने बिल्ली होती है, उन्होंने सोचा पालतू बिल्ली पाल रखी है किसी ने, वो ऐसे घूमती घूमती, एक अंदर कमरा होता है सामने, ये वो सामने लॉबी देख रहा है और उसके साइड में कमरा है, कमरे के अंदर जाती है बिल्ली। जैसे वो अंदर घुसती है तो वहां से छोटे बच्चों के रोने की आवाज आती है, धीरे धीरे करके रो रहे हैं ऐसे। उसे डर लगा उस टाइम, रात के 12-12:30 बज गए इस चीज में, कोई गेट नहीं खोल रहा, गेट खुला तो बिल्ली दिखी और अंदर रोते हुए बच्चों की आवाज। धीरे धीरे वो डर डर के उस कमरे तक जाता है। कमरे तक जाने के बाद वो देखता है 3-4 साल की दो लड़कियां सोफे पे या बेड पे बैठी होती है उसके सामने, ऐसे पीछे मुंह करके। और जब वो आता है वो ऐसे पीछे पलट के देखती है उसकी तरफ। वो कहता है एक तो उसे इतनी देर हो गई होती है वहां पे, आधा एक घंटा खटखट करते हुए इतनी देर से वो ऑर्डर लेके आया होता है। वो कहता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, घर में बड़ा कौन है, मैं ऑर्डर लेके आया था, इतना सारा तुमने ऑर्डर कर दिया, ये शाही पनीर, बटर नान, ये ठंडा भी हो गया, एक काम करो मुझे मेरे पैसे दो, अपने घर में से किसी बड़े को बुलाओ। वो गुस्से में आके बोलता है मेरा दोस्त। तो उस टाइम जो वो बच्चियां होती है कुछ नहीं बोलती, चुपचाप शांत ऐसे देख रही होती है चुपचाप। वो कह रहा बोलो कुछ, बताओ तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, कुछ नहीं बोलती। फिर वो और गुस्से में आता, मेरा पैसा निकालो जल्दी, मुझे जाना भी है, बुलाओ अपनी मम्मी को। उसके बाद उन लड़कियों की जो आंखों की पुतली होती है
वो लाल हो जाती है और वो बोलती है, दोनों लड़कियां एक साथ, मम्मी ना आपके पीछे है, ले लो उनसे पैसे। वो एकदम डर जाता है उनकी आंखें देख के, और जब उन्होंने बोला कि पीछे है मम्मी, पैसे ले लो, वो पीछे पलटता है। और जब पीछे पलट के वो देखता है तो उस टाइम एक औरत होती है। उस औरत की शक्ल नहीं थी, उस औरत का फेस नहीं था, दिख ही नहीं रहा था। सफेद कलर के कपड़ों में, ऐसा कि जैसा आपने इमेज देखी हो और वो ब्लर इमेज हो, पता ही नहीं लग रहा उसकी शक्ल देख के कि वो है क्या। उस टाइम वो इतना डर गया कि खाने की पन्नी जमीन पर हाथ पे छूट गई और उस घर से बहुत तेज भागा अपनी बाइक की तरफ। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी, बजरंग बली, और जो जो कह सकता था, वो भगवान का नाम ले सकता था, सब लिया उसने और वहां से भागा बहुत तेज रफ्तार में बाइक की तरफ। बाइक स्टार्ट करी, स्टार्ट करते करते वहीं पे जंगल वाले रास्ते से होते वापस जा रहा था। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ी हुई थी। रास्ते में जाते जाते वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस को फोन मिल जाता है 100 नंबर पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैंने ये चीज देखी। उसके बाद उसकी बाइक उसी जगह पे बंद हो जाती है, एकदम जंगलों में। जब उसकी बाइक बंद होती है, वो शीशे में देखता है, जो मिरर्स होते हैं ना दो बाइक के अगल बगल में, उनके अगल बगल में देखता है, और वही दो बच्चे और वही मां उन शीशे में दिखाई देती है। भाग के एकदम जंगल की तरफ जाता है, इतना डर जाता है, इतना घबरा जाता है, उसे लगता है आज उसका आखिरी दिन है और ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो इससे पहले भूतों पे विश्वास नहीं करता था, वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था कि क्या चीज है क्या नहीं है। पुलिस आ जाती है, पुलिस की जिप्सी जब आती है, पुलिस को सारी स्टोरी बताता है, ऐसा हुआ, मैं यहाँ पे खाना लेके गया था, ये है वो है। इतना डर जाता है कि वो अपनी बाइक ही नहीं चला पाता, कि पुलिस वाले उसे समझाते कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक है। वो घर तक जाता है, पूरी रात उसे नींद नहीं आती। अगले दिन जब वो दोबारा रेस्टोरेंट पर वापस जाता है और पूरी स्टोरी बताता है, वहाँ पे 2 से 3 एम्प्लॉय और होते हैं, वो उसे बताते हैं कि जहाँ जिस घर में तो खाना देने गया था ना, अब से 2 से 3 साल पहले उस घर में 2 बच्चे की और उनकी माँ की जान चली जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। और जब से कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी आत्मा वहीं पर है। उस दिन के बाद मेरे दोस्त ने मुझे ये बात बताई, जब ये बात उसने बताई मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं खुद घबरा गया कि ऐसा होता है क्या। पर हाँ, भूतों वाले इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए हैं 3 से 4, बताऊंगा कभी आपको फुर्सत में। बस ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था कि ऐसा भी होता है दुनिया में, चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी भी होती हैं। आप यकीन करते हो क्या, आपके साथ कुछ हुआ है क्या कभी ऐसा, या किसी का सुना है आपने अपने दोस्त का, कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हो मुझसे, वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।